चुनाव का जो शुभारंभ किया है, तो कल हमने 10 जगह जाकर के 10 बूथों पे हमने एक चुनावी अभियान में गए, तो बहुत ज़बरदस्त जनसमर्थन हमें मिला है। विशेष करके युवाओं का जो जनसमर्थन है हमें मिल रहा है, और आने वाले समय में आज भी हमारा जो है एक लंबा, बहुत लंबा टूर है, तो हम उसमें आज काफ़ी सारे जो है गांव और पंचायतें कवर करने वाले हैं। लोगों का भारी जो है जनसमर्थन भारतीय जनता पार्टी को और मुझे मिल रहा है। तो आपके क्या मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्योंकि जब हम यहाँ की जनता से बात की, उनका कहना है कि आप पहले से ही जनता के बीच रहे हैं, तो अब क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच हैं? देखिए, पहले तो मैं ये आपको ये बता दूं कि मैं तो विधायक नहीं था, मैं तो बिना विधायक के ही जो है वो यहाँ कार्य किए हैं। और क्योंकि सरकार ने जो है हमें आशीर्वाद दिया, तो इसलिए काफ़ी सारे कार्य करने में हम सफल हुए हैं। लेकिन जो एक विधायक की एक रोल होता है, वो तो विधायक का ही होता है। तो विधायक के तौर पे अगर हमें यहाँ की जनता भेजती है, तो हम हरेक मुद्दों, जो खास करके जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है टमाटर और शिमला मिर्च की जो समर्थन मूल्य है, या उसका मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम है, उसको लेकर के हम जो है जनता को बता भी रहे हैं। और दूसरा, हमारा यहाँ का जो लोगों का जो विशेष है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पे रहा है, और ख़ासकर वो बच्चे जो कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, और कंपटीशन में जो कुछ ही बच्चे पास होते हैं, लेकिन जिन्होंने दिन रात एक साल पूरी मेहनत की, उनको कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए हम जो आने वाले समय में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और वो अपने आगे सफल नहीं हो पाते हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये मेरा एक अलग सोच है कि जो क्वालिफाई हो गए, उन्हें तो जॉब मिल जाएगी, उन्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जिन्होंने दिन रात काम किया, जिन्होंने दिन रात पढ़ाई की, सफल नहीं हो पाए, कोई एक नंबर चले जाता है, कोई दो नंबर चले जाता है, उनको भी जो है कुछ ना कुछ जो है स्कीम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हम बनाएंगे, और पार्टी के स्तर पर भी हम इस तरह का, मतलब डॉक्टर कश्यप की अगर हम बात करें तो हर वर्ग के लिए उन्होंने सोच रखा है क्या काम करना है। बिल्कुल, हम हर एक वर्ग के लिए, हमारा चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से है, चाहे शहर से है, हमारा बुजुर्ग है, चाहे हमारी बहनें हैं, और हमारा युवा वर्ग है, हम सभी के लिए जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे करने के लिए तैयार है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे एडवांस कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो सोलन जिला है, और सोलन जिला इस वक्त जो है 50% जो है वो GDP के लिए कंट्रीब्यूट करता है। हमारा यहाँ का जो किसान है, हमारे जो यहाँ के युवा है, हमारे जो यहाँ के लोग हैं, वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और यहाँ जो है एक बड़ी एडवांस कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में ये मानी जाती है। तो जिस तरह से हमने घर में हमेशा देखा है दो लोगों के बीच में अलग अलग पार्टियों की चर्चा होते हुए, डिबेट होते हुए, लेकिन जिस तरह से चुनाव मैदान में आप एक घर से दो लोग, दामाद और ससुर जी सामने सामने हैं, क्या वजह हो गई कि आपको भी चुनाव मैदान में आना पड़ा? देखिए, ये तो पिछली बार ही डिसाइड हो गया था, तो इसमें घर की जैसी कोई बात नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को जो है धरातल पर उतारने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है हम उसमें आए हैं, और हम एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। आपको लगता है सोलन विधानसभा में जितने ज़्यादा विकास होने चाहिए थे, वो अभी तक हुए नहीं है? बिल्कुल नहीं हुए हैं। मैं कहूँगा यहाँ पे विकास की धारा जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व में विधायक रहे श्री राजीव बिंदल जी ने बहाई थी, उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट का कार्य ठप रहा। अभी जब आदरणीय ठाकुर जयराम जी की सरकार आई, तो यहाँ बड़े बड़े कार्य हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहीं हमारा जो ये एरिया है ममलीग सायरी का, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज दिया गया है, और कंडा घाट में भी जो डिग्री कॉलेज था उसको अपग्रेड करके उसको साइंस की क्लासेस जो है स्टार्ट की गई है, वहाँ पे कॉमर्स की क्लासेस स्टार्ट की गई है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अटल आदर्श विद्यालय और 100 करोड़ रुपये का एक हस्पताल जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, जो आधे दिन तक नहीं बना था, वहाँ बिल्कुल छोटा हस्पताल था, हालांकि उसको जो है चौपाल से भी लोग आते हैं, सिरमौर से भी लोग आते हैं, सोलन से, नालागढ़ से भी लोग आते हैं, लेकिन हमारा हॉस्पिटल बहुत छोटा था पिछले कई सालों से। तो आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हमें दिया है, और भी बहुत सारे कार्य हुए हैं जिसका मैं वर्णन करूँगा। तो जयराम जी को जय श्री राम, 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 जय श
बनी रही आगे और जय श्री राम जय श्री